हाय फ्रेंड्स, ग्लो बबर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, ये जो आप तीन येलो साइडेड कनूर पैरेट के बच्चे देख रहे हैं, ये वही हैंडीकैप पैरेट है जिसका मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने तीन कनूर पैरेट के हैंडीकैप बच्चों को दिखाया था और उनके हैंडीकैप होने के कुछ रीजंस भी बताए थे। तो मैंने उन हैंडीकैप पैरेट को हैंड फीडिंग करके बड़ा किया, लेकिन वो तीन येलो साइडेड कनूर पैरेट थे और उन तीनों को संभालने में मुझे दिक्कत आ रही थी और ये पैरेट बड़े होने के बाद आपस में झगड़े भी करने लगे थे। तो मैंने उन तीन येलो साइडेड कनूर पैरेट्स में से दो येलो साइडेड कनूर पैरेट सेल कर दिए और एक येलो साइडेड कनूर पैरेट खुद के लिए रख लिया। तो आज मैं उसी येलो साइडेड कनूर पैरेट के बारे में बताऊंगा, उस हैंडीकैप पैरेट की मैं प्रोग्रेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब यह पैरेट छोटा था तो इसके आधे पैर को देखकर मुझे लगा ही नहीं था कि यह पैरेट एक नॉर्मल केज में नॉर्मल पैरेट की तरह रहेगा, लेकिन मैं गलत था। दोस्तों, ये पैरेट नॉर्मल पैरेट जैसा ही सब कुछ करता है। इस पैरेट के आधे पाँव होने के बावजूद भी ये आसानी से एक लकड़ी पर बैठ सकता है। आप इस वीडियो में देख ही रहेंगे तो यह पैरेट किस तरह एक लकड़ी पर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह पैरेट अपने आधे पाँव से पूरा केज चढ़ता है और वापस उतरता भी है और एक केज के ऊपर उल्टा ऐसे लटकता भी है। और ये अपना खाना पीना इसके छोटे से फूडर के ऊपर बैठकर ही खाता है। आप इस पैरेट के पाँव को देख सकते हैं, इस पैरेट के पंजे ही गायब हैं, मतलब ये किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये पैरेट एक नॉर्मल पैरेट की तरह सब कुछ करता है। मैंने सिर्फ इस केज के इस बॉटम में न्यूज़पेपर रखता हूँ ताकि इस हैंडीकैप पैरेट को बैठने और सोने की दिक्कत ना हो। बाकी ये पैरेट की हेल्थ वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास है। ये हैंडीकैप पैरेट अच्छे से रह रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं आया है अभी तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही हैंडीकैप पैरेट के बारे में अपडेट आपको देना था और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस हैंडीकैप पैरेट के डेली रूटीन बताऊंगा। तो मतलब इसको मैं क्या क्या खाने देता हूँ वगैरह वगैरह सब मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।